तो दोस्तों वापस से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं टॉप क्लास गेमिंग चैनल पर। दोस्तों यहां पर आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लैग प्रॉब्लम सॉल्यूशन के बारे में। गाइज याद रखना, लैग प्रॉब्लम सॉल्यूशन। गाइज मैं इसलिए ये वीडियो फाइनली बता रहा हूं क्योंकि यार मेरा जो फ़ोन है, एक दूसरा वाला फ़ोन, वो 2 GB का रैम का फ़ोन है। 2 GB नहीं तो 3 GB बोल सकते हो। यहाँ पर 3 GB रैम का फ़ोन है, फिर भी वो फ़ोन जो है लैग करता है, मतलब गेम खेला ही नहीं जाता। अगर स्क्वाड मैचेस वगैरह खेलते हो तो यार गेम लैग होने लगता है। तो गाइज रीज़न क्या है लैग होने का वो बताऊँगा, और कैसे ठीक हो सकता है वो चीज़ मैं बताऊँगा इस वीडियो में। सेम प्रॉब्लम आपके साथ भी आती होगी, अगर आती है तो बस ये सेटिंग कर लेना, 90% चांस है गाइज आपका लैग जो प्रॉब्लम था वो 100% सॉल्यूशन हो जाएगा। तो यार स्किप मत करना वीडियो को, जो चीज मैं बताने वाला हूं वो चीज पर बस आपको फोकस करना है और आपका जो लैग है वो सही हो जाएगा। ओके, तो यार स्किप मत करना। तो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर ले, कोई भी दोस्त नहीं होंगे अभी तक और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, नीचे वाले रेड बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर देना और ऑल नोटिफिकेशन पर सेट जरूर कर दे गाइज। और आपके पास कोई भी टॉपिक है तो नीचे कमेंट में जरूर लिख देना गाइज, अगर मैं उस टॉपिक पर अगर वीडियो अच्छा लगा तो मैं बना दूंगा। अगर मेरे को अच्छा लगा कि हाँ ये हेल्पफुल वीडियो है तो आप सभी को मैं बना कर दे दूंगा, बस आपको कमेंट कर देना है गाइज कि हाँ मेरे को इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। ओके, तो गाइज मैं चलता हूँ आगे, क्या करना है वो जी बताता हूँ गाइज। अगर आपका फोन 2 GB 3 GB 4 GB, आप सभी को पता होगा गाइज, चाहे आपका फोन 10 GB रैम का हो या 12 GB रैम का हो, आपका फोन थोड़ा ना थोड़ा सा लैग करता है क्योंकि फ्री फायर का सर्वर बहुत बड़ा है गाइज और मतलब संभाल पाना इतना आसान नहीं है। तो इसलिए मतलब करीना ने खुद यहाँ पर लिखा है, कहीं पर लिख के रखा है कि आपका फ़ोन चाहे जितना भी जीबी रैम का डिवाइस हो, थोड़ा ना थोड़ा सा तो लैग करेगा ही करेगा। बट बात कर लेते हैं गाइज यहाँ पर, तो आपके फ़ोन में 2 GB 3 GB रैम है फिर भी आपका फ़ोन ज़्यादा लैग करता है, तो उसको कम करने के लिए मैं बता रहा हूँ। ये फाइनली फ्रेम ड्रॉप वगैरह के कारण होता है। फ्रेम ड्रॉप वगैरह क्या होता है, एनिमेशन क्या होता है, वो मैं आगे के वीडियो में बता दूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है गाइज, आपको सबसे पहले अगर गेम को ओपन करते हो या फिर खेलने जाते हो तो आपको क्लियर कैच हमेशा करते रहना है, जो कि मैं हमेशा बताता हूँ गाइज, क्लियर कैच आपको हमेशा करते रहना है। क्लियर कैच करने का एक ही फायदा होता है गाइज कि आपके फ़ोन में जितने भी मतलब फ्री फायर डाटा एक्स्ट्रा लेके रखा है वो आपका क्लियर हो जाएगा, याद रखना गाइज। और मैं आपको बता दूँ गाइज, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है, आप यार याद रखना, आप जितना हो सके आप अपने फ़ोन को खाली रखने का ट्राई करना, पूरा फोन को मत भरने देना गाइज। आपका फ़ोन 2 GB से 3 GB हमेशा खाली होना चाहिए, याद रखना गाइज। इंटरनल जो होता है, इंटरनल स्टोरेज की बात कर रहे हैं, 2 से 3 GB हमेशा खाली होना चाहिए। आप हो सके तो कॉस्ट्यूम नहीं डाउनलोड करो तब भी चलेगा, बट यार प्लीज़ अगर आप अपने फ़ोन को खाली रख सकते हो 2 GB 3 GB तभी आप इसका मतलब तब आपका फ़ोन थोड़ा सा लैग से ठीक हो जाएगा। बट बात कर लो गाइज, यहाँ पर आपको क्लियर कैच करने से कुछ नहीं होने वाला, मतलब यहाँ पर तो आपको करना ही करना है। और आपको यहाँ पर ऐप में जाकर एक क्लियर कैच का ऑप्शन आता है गाइज, आप सेटिंग वगैरह में जाओगे, सेटिंग में जाकर आप फ्री फायर में जाओगे तो यहाँ पर आपको एक क्लियर कैच का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। फाइनली नहीं देखने को मिल रहा है गाइज, क्यों नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि वहाँ पर मैंने क्लियर कैच कर दिया है यहीं पर, इसलिए यहाँ पर क्लियर कैच देखने को नहीं मिल रहा है। वहीं पर बात कर लेते हैं गाइज, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है एक ऑप्शन, अदर्स वाले ऑप्शन में जाओगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको परमानेंट नोटिफिकेशन तो ऑन रखना है गाइज, मॉडिफाई सिस्टम सेटिंग वगैरह आपको कुछ भी ऑन नहीं करना है यहाँ पे। ओके, तो गाइज यहाँ पर आपका कोई भी काम नहीं है, जो काम है गाइज मैं आपको बाहर में चल के दिखाता हूँ। फाइनली गाइज यहाँ पर आपको सबसे पहले सेटिंग में चले जाना है, सेटिंग में जाने के बाद गाइज आपको एक काम करना है, स्टोरेज को आपको जितना हो सके अबाउट फोन में जाकर आपको स्टोरेज में चले जाना है। स्टोरेज में जाओगे तो आपके पास यहाँ पर डीप क्लीन नहीं तो फ्री ऑफ स्पेस का ऑप्शन होगा, तो आपको सीधा सा फ्री ऑफ स्पेस कर लेना गाइज। जैसा कि देख सकते हो मेरा फ़ोन 2 GB मतलब यार फालतू का चीज़ भरा पड़ा है 2 GB, तो सीधा सा इसको क्या करता हूँ, 2 GB मैं यहाँ पर पूरा क्लियर कर देता हूँ, मतलब फिर मेरे फ़ोन में जितने भी एक्स्ट्रा चीज़ थे उसको मैंने क्लियर कर दिया और मेरा फ़ोन अभी 38 GB रैम खाली, मतलब 38 GB रोम खाली है। ये तो हो गया गाइज बात की बात, इधर तो आपको पूरा कंप्लीट करना ही करना है। और यहाँ पर जो आप एक्स्ट्रा के ऐप अगर आप रखे पड़े हैं गाइज, फाइनली मेरा फ़ोन थोड़ा सा ज़्यादा रैम का है तो इसलिए मैं रख सकता हूँ, अगर आपका फ़ोन ज़्यादा रैम का नहीं है तो आप हो सके तो यार आप फालतू ऐप्स को हटा देना, अगर वो नहीं कर सकते हो तो गाइज बस
बस यार आपको हटा देना, 2 GB 3 GB आपको हमेशा फ़ोन को खाली रखना है। वहीं पर बात कर ले, आपको डेवलपर ऑप्शन को ओपन कर लेना है। डेवलपर ऑप्शन कैसे ओपन करना है वो सब आपको पता है। एंड्रॉयड ऑप्शन में जाके MIUI वर्जन में जाकर आप 5 बार नहीं तो 4 बार या 6 बार क्लिक करोगे तब वो चीज़ आ जाता है। फाइनली मैं डेवलपर ऑप्शन यूज नहीं करता। यहाँ पर आने के बाद डेवलपर ऑप्शन ऑटोमेटिक से आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ होता है गाइज, फ्रेम रेट ड्रॉप। यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ होती है गाइज, जो कि मैं अभी आपको सबको बताने जा रहा हूँ, ये वाला चीज़ है विंडो एनिमेशन स्केल, ट्रांजिशन एनिमेशन स्केल। ये यहाँ पर जो 3 चीज़ देखने को मिल रहा है गाइज, ये सबसे ज़्यादा मेन चीज़ होती है। तो अगर आपका फ़ोन लैग वगैरह करता है, ज़्यादा करता है, तो आपको यहाँ पर एनिमेशन ऑफ कर देना है। सारे का एनिमेशन क्या करना है, ऑफ कर देना है गाइज, याद रखना एनिमेशन को ऑफ कर देना है। वहीं पर बात कर ले गाइज, यहाँ पर आपको सिमुलेटर सेकेंडरी डिस्प्ले देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर आपको नो कर देना है। और यहाँ पर आपको ये जो है DPI है गाइज, ओके ना, इसे हम DPI बोलते हैं। अगर आपका फ़ोन 2 GB या 3 GB रैम का फ़ोन है, अगर स्मॉल विड्थ का ऑप्शन देता है, तो यार आप याद रखना 350 रखना, 350 आप रखने का ट्राई करना DPI, ओके ना। तो इससे आपका कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, आपका फ़ोन थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा और आपका फ़ोन में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बस आपको यहाँ पर डिस्प्ले कंटेंट जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है, इसको तो आपको कुछ भी नहीं करना है। बट एक चीज़ मैं अभी और आपको बताता हूँ जो यहाँ पर सेटिंग करना होता है, बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट। तो गाइज यहाँ पर बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट है, जो कि आपको स्टैंडर्ड लिमिट अगर रखना है तो रख सकते हो, नहीं तो यहाँ पर नो बैकग्राउंड प्रोसेस रखना, ताकि आपके बैकग्राउंड में जितने भी ऐप्स चलते रहेंगे ना, वो सारे बंद हो जाएंगे और आपका सिर्फ पूरा फोकस क्या होगा, फ्री फायर पर होगा, और आपका फ्री फायर लैग नहीं करेगा। नो बैकग्राउंड प्रोसेस रखना है गाइज, ताकि आपका बैकग्राउंड में गाना वगैरह जो भी चल रहा होगा, मूवी वगैरह या अदर एप्लीकेशन चल रहा होगा, यहाँ पर से बंद हो जाएगा अगर आप नो बैकग्राउंड प्रोसेस पर क्लिक करते हो। फाइनली गाइज मेरा तो सही चलता है, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं, तो मैं स्टैंडर्ड लिमिट में ही रखता हूँ। और फाइनली गाइज यही सबसे बड़ा मेन रीज़न है यहाँ पर लैग होने का, स्टैंडर्ड लिमिट को आपको हमेशा रखना है, नहीं है नो बैकग्राउंड प्रोसेस रखना है, नहीं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर एट मोस्ट 2 प्रोसेस रखना गाइज, एट मोस्ट 2 प्रोसेस आप रखना, आपकी मर्जी है गाइज, अगर आपका रखना है तो रखना। फाइनली यहाँ पर मैं सजेस्ट करूँगा एट मोस्ट 2 प्रोसेस रखना, ओके ना। और फाइनली गाइज मैं बात कर लूँ, आप इस तरीके से तो यूज कर सकते हो। फाइनली मेरे फ़ोन में ज़्यादा लैग वगैरह वाला प्रॉब्लम नहीं होता है, इसलिए मैं इसे कुछ यूज नहीं करने वाला हूँ। बस मैं आप सभी को बता रहा था, आप इस तरीके से, आप आसान तरीके से लैग वाला प्रॉब्लम को सॉल्यूशन कर सकते हो। 80 से 90% चांस है कि आपका लैग प्रॉब्लम जो सॉल्यूशन हो गया होगा। तो यार जाकर आप अपने फ़ोन को में सेटिंग कर लेना, और कोई भी दोस्त नहीं होंगे तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब प्लीज़ यार, और अपने दोस्तों के साथ हो सके तो ये चीज़ शेयर कर देना, क्योंकि ये वाला सेटिंग जल्दी किसी को नहीं पता हो। तो यार तो सब्सक्राइब कर देना, अगर अभी तक हमारे चैनल पर नहीं होंगे तो सब्सक्राइब कर देना नीचे वाले रेड बटन को दबाकर, और ऑल नोटिफिकेशन पर सेट जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, ओके। तो मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक लिए एक कमेंट जरूर कर देना गाइज, कमेंट करना जरूरी है गाइज, सब्सक्राइब करना जरूरी है, और कमेंट और लाइक करना जरूरी है कि आपको अगला टॉपिक किस पर चाहिए, ओके। तो बाय बाय गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक लिए रखिएगा अपना ख्याल। सुनो, अगर मुझसे मिलना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट करो कि अगला वीडियो किस पर बना।